नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन लगवाई। पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का डोज लगवाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। मेदांत अस्पताल की डॉक्टर सुशीला दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं, जो कि गृह मंत्री अमित शाह को वैक्सीन लगाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में रविवार को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है कि निजी अस्पतालों में भी वैक्सीन लोगों को मुफ्त में दी जाएगी। आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने से इनकार किया है। जैश उल हिंद ने एक बैनर को साझा किया है जिसमें कहा गया कि उन्होंने अंबानी को कोई भी धमकी नहीं दी। और वहीं देश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करते हैं तो कोरोना संक्रमण के 15,510 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस अवधि में कोरोना वायरस से 106 लोगों की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने राज्य में 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक महिला ने अपनी माँ को मृत बताकर सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। कन्नौज में बदमाशों ने 14 वर्षीय किशोर की हत्या कर दी और फरार हो गए। दूसरे दिन शव मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने पिता की तहरीर पर दो युवकों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की, जांच शुरू की। और वहीं कानपुर देहात में एक शख्स ने सभासद की पत्नी और उसके दो बच्चों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। क्षेत्रीय लोगों ने आनन फानन में आग बुझाई और बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। कुल्लू में 19 साल के युवक से पुलिस ने 4 किलो चरस की खेप पकड़ी है। चरस की कीमत लाखों में बताई जा रही है। और वहीं जौनपुर में पुलिस ने बैंक में डकैती डालने आए 5 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। उनके पास से देसी रिवॉल्वर, तमंचा, कारतूस और एक क्वायलेस गाड़ी भी की बरामद। लखनऊ में पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या कर दी। ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां पर ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में मां और 4 साल के बेटे की मौत हो गई है। वहीं हादसे में पिता गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती किया। और वहीं हरियाणा में पुरानी रंजिश में 8 बदमाशों ने युवक पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में युवक के हाथ में छर्रे लगे हैं। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती किया। बदमाशों की तलाश की जा रही है। कन्नौज में दिव्यांग कमलेश खुद को जिंदा साबित करने में जुटा हुआ है। अधिकारी और दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। शख्स का आरोप है कि साजिश के तहत उसकी ही भाभी ने कागजों पर उसे मुर्दा घोषित कर दिया। और वहीं फिरोजाबाद में पुलिस ने एक हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि 6 दिन पूर्व 50 रुपये ना देने की वजह से एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा। दिल्ली में कांस्टेबल को गोली मारने वाले बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। UPSTF ने कानपुर से नेपाल के एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वह व्हाट्सएप पर पाकिस्तान, इजिप्ट, सऊदी अरब और सूडान में बात कर रहा था। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में युवा कारोबारी का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। घटना से गुस्साए लोगों ने देर रात खोड़ा में हंगामा किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके में कथित तौर पर बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर 3 मनचले लड़कों ने 17 वर्षीय भाई की बुरी तरीके से पीट कर हत्या कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू की। और वहीं अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा करीना कपूर और उनके बेबी से मिलने पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान कैमरामैन दीवार पर चढ़ गया, जिसके बाद अर्जुन ने शख्स को डांट दिया, जिसके बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती अपने पिता इंद्रजीत और भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई है। रिया स्ट्रॉन्ग मैसेज वाली टी शर्ट पहनी नजर आई, जिसके बाद तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। स्टार कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह सड़क किनारे मौसमी का जूस बेचते हुए नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड के लिए 4th टेस्ट में भी मुसीबत कम होने वाली नहीं है। अक्षर और अश्विन के साथ ही अब उन्हें उमेश यादव से पार पाना होगा। WWE रेसलमेनिया 37 में होने वाले मुकाबलों को लेकर चर्चा काफी गर्म है, लेकिन उससे पहले WWE ने अपने दर्शकों के लिए कई धमाकेदार मैच प्लान किए हुए हैं और उससे पहले आगामी शुक्रवार को एक बड़ा मैच होना है। फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।